जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन। नमस्कार दोस्तों, मिंटू लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के लॉग में हम आपको ले चलते हैं बलौदा बाजार जिले के पलारी ब्लॉक के रेंगाडीही गांव। इस गांव में अद्भुत घटना हुई है। रेंगाडीही गांव में तालाब के किनारे 30-35 वर्ष पुराने नीम के पेड़ है। इस नीम के पेड़ में हनुमान जी की गदा की आकृति उभरी हुई है। 4 से 5 मीटर का है यह गदा। यह चमत्कारी गदा है। गांव वाले बता रहे हैं कि जो भी आ रहे हैं ठीक हो रहे हैं। चमत्कार को आपको दिखाते हैं। रेंगाडीही बलौदा बाजार से 42 किलोमीटर, रायपुर से 58 किलोमीटर और बिलासपुर से 91 किलोमीटर दूरी पर है। इसी नीम के पेड़ में यह गदा उभरी हुई है, तो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पीछे से भी देखिए, गदा की आकृति सेम गदा जैसा लग रहा है। देखिए, इसमें खंड खंड भी बना हुआ है। मंगलवार और शनिवार को पूजा करते हैं। यहाँ बजरंग बली जी की स्थापना की हुई है। गांव वालों से जानकारी लेते हैं। चलिए भैया से पूछते हैं जिन्होंने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है। मेरा नाम है संपत दास मानिकपुरी। भैया, आप एक गदा और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में बताइए। का है कि ना, अचानक यानी कि कुछ यानी कि समस्या हुई से, पारिवारिक समस्या। मोर 5 साल की लड़की रही से वो है ख़त्म हो। मन में यानी कि एक प्रकार से मनोभाव बदल गए मोर, कि इतना दिन तोर पूजा पाठ करत आया था, मोर कोई सहारा नहीं हुआ था। अरे मोर नहीं हुआ तो मोर दिक्कत रेत हो जाओ, नहीं हुई से कम यह होगा। बजरंग बली शंकर भगवान दुर्गा माता की जो मूर्ति रही ना, सब जरा रिपोर्ट दें और डबरी में देख के मैं फेंक दें सीधा बताया था। मोर दिक्कत है तो यह हो गए, ख़त्म हो गए तो का मतलब के भाई, अब तोर कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इसी बीच में फेंक दे रहे हैं होगा। और अचानक मोर लड़का के ख़त्म होने के बाद में, करीबन 4-5 साल के बाद, कि जो बजरंग बली जी के तो प्रकोप मोर शरीर में हुई, ऐसा स्थिति हुई मोर स्थिति है जो मैं चले फिरे कभी नहीं रहे मैं यहाँ। ये यही मेरे खाना खाते हैं, यही मैं 2 नंबर का रहता है। मैं डायरेक्ट वाला बात बताता हूँ। वैसे हुई से मोर पड़ोसी रही से मौसा जन की थे संपा, ते ये स्थिति में गुजरत है, ते गलत काम करे तेकर नाम से हो है। कोई देवता के ते अपमान करे कि नहीं करे अच्छे, तो थे मैं बोलता हूँ कि अब करे हम नहीं करें वाला बात नहीं। मोर लड़का देहांत हो गया तो मैं इधर रख के क्या करूँ, ऐसे ही सीधा डबरी में फेंके रहे हैं मैं, ऐसे ही कहें नहीं। तो जेने देवता हैं अपमान करे तेकर सम्मान कर, स्थापना कर, तबे ते चल फिर सकता है या तो जिंदगी सकता है। मो तो स्थिति ऐसे हो गई भाई, नहीं बचाए ख़त्म हुई अब, इसी टाइप की स्थिति में हो गई सब। और जब जब मैं बजरंग बली जी के स्थापना के नाम से नेव पड़वावत गी से मोर पिताजी कोड़ी से, धीरे 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 करके पूरा यानी कि मोर शरीर में परेशानी रही, मोर पैर में परेशानी रही, समझ चल फिर नहीं सकत रहे मैं। हाँ, तक मोर स्थिति ऐसे हो गई, शरीर पूरा पीला पड़ गई, इसे बचना असंभव रही से। हाँ, और एक स्थापना करे के बाद में धीरे धीरे करके मैं बैसाखी छोड़े, और बैसाखी छोड़े के बाद में साधारण एक चलत फिरत हम।